हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटजी की भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the theme for International Day of Older People celebrated on October 1st? 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वृद्ध लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय रहा Resilience of Older Persons in a Changing World. Which agency launched Operation Garud? So, CBI ने Operation Garud शुरू किया। What is India's rank in the Global Innovation Index 2022? Global Innovation Index 2022 में भारत की रैंक 40वीं है। जयंती पटनायक पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज शी? जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया। वे फर्स्ट चेयरपर्सन रही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 3 मेजर रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड मुंबई CSMT। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट अमाउंट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और CSMT मुंबई के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश शामिल है। टू जॉइंटली प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन ई कॉमर्स सेक्टर, द ट्रिपार्टाइट MOU वॉज साइंड अमंगस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ पर्सन्स, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड विच कंपनी? ई कॉमर्स क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त रूप से कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और Amazon सेलर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेशनल SC ST हब मेगा इवेंट कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच सिटी? राष्ट्रीय SC ST हब मेगा इवेंट कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर अहमदाबाद है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन एट विच प्लेस? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दक्षिण क्षेत्र की आधारशिला का अनावरण किया। PM नरेंद्र मोदी डिक्लेयर द 36th नेशनल गेम्स ओपन इन अहमदाबाद। ड्यूरिंग द इवेंट ही ऑल्सो इनोग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन। PM नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। आयोजन के दौरान उन्होंने देसर में विश्व स्तरीय स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में भरत लाल को नियुक्त किया गया है। Name the NHRC chairperson who has been elected as a member of the governance committee of the Asia Pacific Forum. NHRC के अध्यक्ष का नाम अरुण कुमार मिश्रा है, जिन्हें एशिया पैसिफिक फोरम की गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। Who has been approved by the Reserve Bank of India as the managing director and chief executive officer of CSB Bank for 3 years? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CSB बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए प्रलय मंडल को मंजूरी दी गई है। द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू हाइक द रेपो रेट बाई 50 basis points टू 5.9%। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.9% करने का निर्णय लिया है। विच स्टेट वॉन द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? सो उत्तराखंड राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार जीता है। एज पर द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन इन 2022? विश्व बैंक के अनुसार 2022 में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अपेक्षित विकास पूर्वानुमान 3.2% है। नेम द वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हु हैज बीन ऑनर्ड विद द चेंज मेकर अवार्ड एट द UN SDG एक्शन अवार्ड्स?
उस महिला अधिकार कार्यकर्ता का नाम सृष्टि बख्शी है जिसे UNSTG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी अनवील्ड द मिनिएचर ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कंसेप्टलाइज्ड बाय विच एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NHEV द्वारा परिकल्पित अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के लघु चित्र का अनावरण किया है। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ खुशियों का त्यौहार इट्स एनुअल फेस्टिव कैंपेन विद अ रेंज ऑफ ऑफर्स फॉर कस्टमर्स। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए कई ऑफर्स के साथ अपना वार्षिक उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू करने की घोषणा की है। इंडियन FMGC कंपनी पिंटोला रोबडिन होम एज ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय FMGC कंपनी पिंटोला ने सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। द सुप्रीम कोर्ट इन अ हिस्टोरिक जजमेंट डिक्लेयर्ड दैट सिंगल वीमेन विद प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 and 24 weeks आर एंटाइटल्ड टू एक्सेस द सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। दिस मूव ओपन्ड अप इंडियाज अबॉर्शन लॉ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। हाउ ओल्ड इज दिस लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया कि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण वाली एकल महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का उपयोग करने की हकदार हैं। इस कदम ने भारत के गर्भपात कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पर प्रकाश डाला है। यह कानून 51 साल पुराना है। इंडियाज G20 शेरपा अमिताभ कांत लेड एन इंडियन ऑफिशियल डेलीगेशन टू द 3rd G20 शेरपा मीटिंग ऑफ इंडोनेशियाज G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड इन विच सिटी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने योग्यकर्ता शहर में आयोजित इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी की तीसरी G20 शेरपा बैठक में एक भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डे। तो अक्टूबर को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन स्थापित किया गया था। सही आंसर 15 June 2007 है। वट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड ऑन द 1st Monday ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावास दिवस की थीम माइंड द गैप लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड ये रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू प्रोड्यूस एंड मार्केट स्पेशल एविएशन फ्यूल AVGAS 100LL इन द कंट्री। सो इंडियन ऑयल विशेष विमानन ईंधन AVGAS 100LL का उत्पादन और विपणन करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है। हु विल बी ऑनर्ड विद द 22nd बिहारी पुरस्कार बाय द KK बिरला फाउंडेशन। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें बिहारी पुरस्कार से माधव हाडा को सम्मानित किया जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज बीन अप्रूव्ड बाय द उत्तर प्रदेश कैबिनेट फॉर विच रीजन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन द कंट्री टू अटेन फुल डिजिटल लिटरेसी अमंग इट्स रेजिडेंट्स। सो पुलमपर अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। ये केरल में है। विच स्टेट हैज पब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया। सो उड़ीसा राज्य ने भारत का पहला आदिवासी समुदाय आधारित विश्वकोश प्रकाशित किया है। विच स्टेट हैज वॉन द आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022। सो उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। विच स्टेट्स मिशन भागीरथ स्कीम हैज बीन बेस्टोर्ड विद द नेशनल जल जीवन मिशन अवार्ड। सो तेलंगाना राज्य की मिशन भागीरथ योजना को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू फेस US सैंक्शंस ड्यू टू एलिजिबली सेलिंग ईरानियन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों को कथित रूप से बेचने के कारण अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने वाली पहली भारतीय कंपनी तिबालाजी पेट्रोकेम बनी है। द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एनोनिमस डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज ओपन्स इन रूटीन विंडोज थ्रू द ईयर। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड इश्यूएंस ऑफ अनदर विंडो ऑफ सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्टार्टिंग October 1st। इंक्लूडिंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैव गॉन ऑन सेल हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया सो फार। चुनावी बॉन्ड की बिक्री साल भर नियमित विंडो में खुलती है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से चुनावी बॉन्ड की बिक्री की एक और विंडो जारी करने की मंजूरी दी है। इसे मिलाकर भारत में अब तक 22 बार चुनावी बॉन्ड बिक्री के लिए लाए गए हैं। यूनेस्को रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ द कंट्री। वन ऑफ दीज इज बांदा टाई एंड डाई। वेयर डस दिस बिलोंग।
यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वास्तुशिल्प की सूची जारी की है। इनमें से एक है बंधा टाई और डाई, यह संबलपुर उड़ीसा का है। फोर्थ राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ हाउ मेनी सिलेक्टेड सेक्टर्स। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण का चौथा दौर कितने चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बारे में अनुमान प्रदान करता है। सही आंसर 9 है, 9 सेक्टर्स का। सिडबी एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल लॉन्च $1 billion फंड टू प्रोवाइड गारंटीज अगेंस्ट लोन डिफॉल्ट टू लेंडर्स फाइनेंसिंग परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक 2 and 3 wheelers। सिडबी और वर्ल्ड बैंक। बिजली के दो पहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद के वित्त पोषण के लिए ऋणदाताओं को ऋण चूक के खिलाफ गारंटी प्रदान करने के लिए $1 billion का फंड लॉन्च करेंगे। BSE has received the final approval from the capital markets regulator SEBI for introducing the EGR on its platform. Expand EGR. BSE को अपने प्लेटफॉर्म पर EGR पेश करने के लिए पूंजी बाजार नियामक SEBI से अंतिम मंजूरी मिल गई है। EGR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। स्पार्क प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच डोमेन। स्पार्क प्रोग्राम आयुष डोमेन से संबंधित है। विच कंपनी हैज अनाउंस द मर्जर ऑफ 7 ऑफ इट्स ग्रुप कंपनीज। सो टाटा स्टील ने अपने समूह की 7 कंपनियों के विलय की घोषणा की है। विच कंट्री समंता क्रिस्टोफोरेटी बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमन टू टेक ओवर कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो इटली की समंता क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड एंशियंट केव्स एंड टेम्पल्स रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन विच स्टेट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मध्य प्रदेश राज्य में प्राचीन गुफाएं और मंदिर बौद्ध संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। इंडिया एंड द UAE एंड फ्रांस हैव हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन विच कंट्री। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने US में अपनी पहली त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ SR ग्रुप बाय विच कंपनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ArcelorMittal निपोन स्टील इंडिया द्वारा SR समूह की संपत्ति के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। हु वॉन सिंगापुर ग्रां प्री 2022। सिंगापुर ग्रां प्री 2022 सर्जियो पेरेज ने जीता है। द इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड द नंबर 51 सौरराम्स MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रन बेस्ड इन श्रीनगर। भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में स्थित नंबर 51 सौरराम्स MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त किया है। विच एक्टर हैज बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। विच सिटी हैज बीन एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द 6th ईयर इन अ रो। सो इंदौर को लगातार 6th वर्ष बाद का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। द एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार इज बीइंग कंडक्टेड इन विच सिटी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पर्वत प्रहार नामक अभ्यास लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। विच एजेंसी लॉन्च द ग्रीन फिन्स हब। सो UNEP ने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललित पाशीन को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन इलेक्टेड एज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में NS राजन को चुना गया है। 15th इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल 2022 हेल्ड एट विच प्लेस। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 अजमेर में आयोजित किया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द मंथ लॉन्ग नेशन वाइड स्वच्छ भारत 2022 एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ किया है। हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1145 करोड़ रुपी हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा 1145 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। DBS बैंक इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विथ विच इंश्योरर टू प्रोवाइड ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू टाटा मेटालिक्स। DBS बैंक इंडिया ने टाटा मेटालिक्स को ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस
समाधान प्रदान करने के लिए एसटीएससी एर्गो के साथ सहयोग किया। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लॉन्च्ड इट्स ग्रास रूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच स्टेट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी ग्रास रूट्स फुटबॉल विकास योजना शुरू की। हिताशी अस्टिमो हैज इंस्टॉल्ड इट्स इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट। हिताशी अस्टिमो ने महाराष्ट्र राज्य में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। विच कंपनी अनाउंस द कमर्शियल लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस पावर्ड बाय इसरो। होजेस कम्युनिकेशन ने इसरो द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द आसरा पेंशन विद अ व्यू टू एंश्योरिंग सिक्योर लाइफ फॉर ऑल द पुअर। सो तेलंगाना राज्य सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। एयरटेल एंड विच कंपनी पार्टनर टू ब्रिंग इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस टू विजिटर्स एट द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022। एयरटेल और नोकिया ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने के लिए भागीदारी की। टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टूगेदर वॉज अमंग 8 बुक्स दैट वर एडजस्ट द बेस्ट बुक्स ऑफ द ईयर एट द वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड। टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टूगेदर उन आठ पुस्तकों में से एक थी जिन्हें वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत भर के 13 शहरों में 5G सेवाओं के पहले चरण की शुरुआत की। व्हाट इज प्रचंड? प्रचंड क्या है? प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। विच स्टेट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ इट्स विलेजेस इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में अपने गांव की स्वच्छता के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर था। दिस ईयर ऑन अक्टूबर 5th मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे। इस वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस की 28वीं वर्षगांठ है। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड सीएम गांव वंश पोषण योजना इन विच स्टेट। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में सीएम गोवंश पोषण योजना की शुरुआत की। कल्याण वस्तु एंड शादी तोहफा स्कीम्स आर रिलेटेड टू विच स्टेट। कल्याण वस्तु और शादी तोहफा योजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। विच स्टेट लॉन्च द सत्यनिष्ठा ऐप? सो हिमाचल प्रदेश राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है। विच स्टेट्स गवर्नर बीडी मिश्रा हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मेघालय एज इंक्यूमेंट सत्यपाल मलिक कंप्लीटेड हिज टर्म ऑन अक्टूबर 3rd। सो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि मौजूदा सत्यपाल मलिक ने 3 अक्टूबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। विच कंपनी वॉज फाउंडेड बाय द लेट तुलसी तांती पॉपुलरली नोन एज इंडियाज विंडमैन। भारत के विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय तुलसी तांती ने सुजलोन एनर्जी की स्थापना की थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। विच मेल एथलीट वॉन दिस ईयर्स एडिशन ऑफ द लंदन मैराथन? लंदन मैराथन का इस वर्ष का संस्करण एमोस किप्रूतो ने जीता है। विच कंट्री स्वांते पाबो वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवरीज ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन? मानव विकास पर खोजों के लिए स्वीडन के स्वांते पाबो ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। हु विल बी अवार्डेड द शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022? 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से युंगकिंग तांग को सम्मानित किया जाएगा। नेम द डच पार्टनर ऑफ इंडिया रोहन बोपन्ना पेयरिंग विद होम ही क्लिंच द ATP 250 तेल अवीव वाटरसन ओपन मेन्स डबल्स इन सिंगल इन टेनिस। भारत के रोहन बोपन्ना के डच साथी का नाम माथवे मिडलकूप है जिनके साथ उन्होंने टेनिस में ATP 250 तेल अवीव वाटरसन ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2022 इज 1,47,686 करोड़ रुपीज। This is for 7th month in a row now that the monthly GST revenues have been more than rupees for 1.4 lakh crore mark. सितंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल GST राजस्व 1,77,686 करोड़ रुपए है। यह लगातार सातवां महीना है जब मासिक GST राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 लॉन्च्ड ऑन गांधी जयंती एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली इन विच ईयर वॉज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 गांधी जयंती पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट साल 2019 में शुरू किया गया था। नेम द इसरो साइंटिस्ट हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। इसरो के वैज्ञानिक का नाम ए.के. अनिल कुमार है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च्ड युवा 2.0 टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो व्हाट इयर्स ऑफ एज। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है। Which bank has announced to adopt 30 remote villages across India under the Gram Seva program? So State Bank of India ने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 30 दूरदराज के गांवों को अडॉप्ट करने की घोषणा की है। Indian Navy signed an agreement on white shipping information exchange with the Navy of which country to promote greater transparency in the maritime domain? भारतीय नौसेना ने समुद्री डोमेन में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ व्हाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन विद द साइटेशन ऑफ विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लास्ट हीरोज। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक पी साईनाथ हैं। सुजोय लाल थाउसेन एंड अनीस दयाल सिंह हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल्स ऑफ CRPF एंड ITBP रेस्पेक्टिवली। सुजोय लाल थाउसेन और अनीस दयाल सिंह को क्रमशः CRPF और ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया हैंडेड ओवर इंडियसली प्रोड्यूस्ड मोटरबाइक्स टू विच कंट्री एज बायलेटरल ट्रेड। भारत ने स्वदेश निर्मित मोटरबाइक लेबनान देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी। Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of the Poll Body of India? भारत के चुनाव निकाय के उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय भादु को नियुक्त किया गया। Which campaign has been launched by the Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, to showcase breakthroughs in CSIR labs? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR labs में सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए 1 week 1 lab अभियान शुरू किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 5 इनॉग्रेटेड द फुली फंक्शनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पूरी तरह कार्यात्मक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। विच यूनिवर्सिटी हैज क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हर स्टार्ट। गुजरात यूनिवर्सिटी ने महिला उद्यमियों के लिए एक मंच तैयार किया है जिसका नाम है हर स्टार्ट। Which university has launched 2 major schemes to benefit Divyang and below poverty line students? Banaras Hindu Vishwavidyalaya ne Divyang aur karibi rekha se niche wale chhatron ko labh pahunchane ke liye 2 pramukh yojanaen shuru ki hain. Which state has hiked ST reservation from 6% to 10%? Telangana Rajya Sarkar ne ST arakshan ko 6% se badhakar 10% kar diya hai. Which airport has become India's first 5G ready airport? दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला 5G रेडी अवार्ड हवाई अड्डा बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। छत्तीसगढ़ राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है। Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the first compressed natural gas terminal in the world in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल की आधारशिला रखी। रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू फीचर इन हाउ मैनी T20 मैचेस। रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। द रेस्ट ऑफ इंडिया साइड हैज कैप्चर्ड इट्स 29th ईरानी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र। शेष भारत पक्ष ने सौराष्ट्र को हराकर अपने 29वें ईरानी ट्रॉफी खिताब पर कब्जा कर लिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज कमीशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट ऑफ व्हाट कैपेसिटी इन जैसलमेर राजस्थान।
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। इंडिया हैज साइंड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर मिसाइल्स रॉकेट्स एंड अम्यूनिशन टू विच कंट्री। भारत ने आर्मेनिया को मिसाइल रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हु वॉन द WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल। WBC एशिया महाद्वीपीय खिताब शिवा टकरन ने जीता है। विच स्टेट सेंट पैट्रिक स्कूल वॉन द 61st सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट। झारखंड राज्य के सेंट पैट्रिक स्कूल ने 61वां सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। टाटा स्टील इनोग्रेटेड कदम स्टील बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच सिटी। टाटा स्टील ने जमशेदपुर शहर में कदम स्टील जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में के राजप्रसाद रेड्डी को चुना गया है। विच फाइनेंशियल कंपनी हैज साइंड MOU विद UAE बेस्ड लुलू इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर गोल्ड लोन रिपेमेंट। सो मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन पुनर्भुगतान के लिए UAE स्थित लुलू इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच फिनटेक कंपनी हैज एक्वायर्ड पोश वाइन। पोश वाइन का अधिग्रहण फिनटेक कंपनी रिजर्वपे ने किया है। नाबार्ड हैज सैंक्शनड 221.99 करोड़ रुपीज अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट। नाबार्ड ने पंजाब राज्य में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 221.99 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हु हैज़ वॉन द UNSCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। UNSCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड एंजेला मार्केल ने जीता है। विच वीक इज बींग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4th अक्टूबर टू 10th अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। विच एनिवर्सरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन October 1, 2022। 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की 6th वर्षगांठ मनाई गई। विच मॉन्यूमेंट हैज बीटन द ताजमहल इन द नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में ममल्लपुरम स्मारक ने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। एन MOU वॉज साइंड बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड विच एजेंसी टू बूस्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग और नाफेड के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया पिप्ड विच कंट्री टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीन का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। विच एजेंसी एस्टिमेटेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 5.7% दिस ईयर फ्रॉम 8.2% इन 2021। सो अंकटेट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि इस वर्ष 2021 में 8.2% से घटकर 5.7% रहने की उम्मीद है। टिल डेट हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टू एक्सेस डेटा ऑन यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP। सो ULIP पर डेटा एक्सेस करने के लिए अब तक 13 संगठनों ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विच एजेंसी डिजाइंड एंड डेवलप्ड द 5G नॉन स्टैंडअलोन कोर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए 5G नॉन स्टैंडअलोन कोर को C-DOT एजेंसी ने डिजाइन और विकसित किया है। हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस। महानिदेशक आयुध CNS के रूप में संजीव किशोर ने पदभार संभाला है। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 की बैठक न्यू दिल्ली में हुई है। खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन मुंबई शहर में किया गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस दैट द मेंबर्स ऑफ द पहाड़ी कम्युनिटी इन विच स्टेट और UT विल गेट बेनिफिट्स अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत लाभ मिलेगा। विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन नॉमिनेटेड टू सर्व एज अमेरिकाज रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को नामित किया गया है। विच इंडियन हॉकी प्लेयर वॉन द FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इन वीमेंस कैटेगरी।
सो मुमताज खान ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू इंस्टॉल अ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन कोलेबोरेशन विद द इसरो। सो इंडियन रेलवेज इसरो के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए तैयार है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क ने उद्योग आचार संहिता का 4th संस्करण जारी किया है। वट वॉज द वैल्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात का मूल्य 33.81 बिलियन US डॉलर रहा। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट होता है इसे। द 2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवार्डेड टू कैरोलिन एयर बर्टोजी USA, मॉर्टन मेल्डन डेनमार्क एंड के बैरी सरप्लस USA फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच एरिया। रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री में योगदान के लिए कैरोलिन और बटोर्जी, मॉर्टन मेल्डन और के बैरी सरप्लस को प्रदान किया गया। विच डे सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड द सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लॉन्च्ड अ न्यू पार्टी रीनेमिंग द एग्जिस्टिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति फाउंडेड बाय हिम। व्हाट इज द न्यू पार्टी कॉल्ड। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उनके द्वारा स्थापित मौजूदा तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर एक नई पार्टी शुरू की है। नई पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति BRS। विच बैंक हैज लॉन्च्ड स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप। सो HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ न्यू सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष। सो RBI ने एक नई सुपरटेक पहल दक्ष का शुभारंभ किया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक फॉर अनदर 3 ईयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रशांत कुमार को अगले 3 वर्षों के लिए यस बैंक के MD एंड CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। हु बैक द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स को मिला है। विच कंट्रीज एक्टिविस्ट एलिस बियालियात्स्की इज अमंग द 3 नोबेल पीस प्राइज 2022 लॉरेट्स। सो बेलारूस की कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की इस साल के 3 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं में शामिल है। विच एजेंसी हैज लॉन्च 6 बिलियन US डॉलर फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू बोलस्टर फूड सिक्योरिटी। सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 बिलियन US डॉलर की वित्तीय सुविधा शुरू की है। द WHO इश्यूड अ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट ओवर 4 कफ एंड कोल्ड सिरप्स मेड बाय विच कंपनी इन इंडिया। WHO ने भारत में मेड इन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कोल्ड सिरप पर एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। वेर इज द सेक्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ नवायना बुद्धिज्म दीक्षा भूमि लोकेटेड। नवायना बौद्ध धर्म का पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। हु वन द FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली। पुरुष और महिलाओं की श्रेणी में क्रमशः PR श्रीजेश और सविता पुनिया FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं। नेम द इंडियन जेवलिन थ्रोवर हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम कंपीटिंग टिल अक्टूबर 2025 ड्यू टू अ डोपिंग वायलेशन। सो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। एज पर द WTO द ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन टू 1% इन 2023। सो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में विश्व व्यापार में वृद्धि 1% तक धीमी होने की उम्मीद है। द वर्ल्ड बैंक्स लेस्ट इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022-23 टू 1% फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7.5%। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। विच म्यूचुअल फंड हैज अपॉइंटेड मोहित भाटिया एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मोहित भाटिया को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। द लोन लिमिट अंडर एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द एविएशन सेक्टर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 करोड़ रुपीज टू व्हाट अमाउंट। विमानन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अरुण बाली पास्ट अवे रिसेंटली। हु वॉज ही। अरुण बाली का हाल ही में निधन हो गया। वह एक एक्टर थे।
जीई गैस पावर साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टर्बाइंस। जीई गैस पावर ने गैस टर्बाइनों में हाइड्रोजन को फायरिंग के लिए एनटीपीसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साइबर जागरूकता दिवस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। साइबर जागरूकता दिवस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू की गई एक पहल है। मोढेरा अ विलेज डिक्लेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एज इंडियाज फर्स्ट सोलर पार्ट विलेज कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। मोढेरा गांव जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है गुजरात के मेहसाना जिले के अंतर्गत आता है। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एफआईएच कोच ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी। पुरुषों की श्रेणी में ग्राहम रिट को एफआईएच कोच ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हु हैज बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला निकोल अनुपू मान बनी है। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डे। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 10। हर साल 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी रहा है। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक विच अदर कंपनी होल्ड्स अ मेजर स्टेक इन IDBI बैंक। भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ IDBI बैंक में किस अन्य कंपनी की प्रमुख हिस्सेदारी है। सही आंसर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MoS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड DPT एंड IPGR पंडित जयंत राम उपमन्यु साइंस म्यूजियम इन विज डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और PMO MoS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में DPT एंड IPGR पंडित जयवंत राम उपमन्यु विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। The UN Human Rights Council voted against holding a debate on alleged abuses against Uyghur Muslims in China's Xinjiang. How many countries abstained from the vote? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने चीन के Xinjiang में उइगर मुसलमानों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार पर बहस करने के खिलाफ मतदान किया। 11 देश इस वोटिंग से दूर रहे। Where has the first seminar of Agni Tattva अभियान बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर लाइफ मिशन। लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स अंडर विच लेंडर्स विल एक्सटेंड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 करोड़ रुपीज टू ईच एलिजिबल बोरोवर्स। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है जिसके तहत ऋणदाता प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को 10 करोड़ रुपये तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेंगे। Who assumed charge as the chairman and managing director of GAIL India Limited? GAIL India Limited के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संदीप कुमार गुप्ता को चुना गया है। गौतम अडानी अनाउंस्ड 65,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स इन सेटिंग अप अ मेगा 10,000 मेगावाट सोलर पार्क कैपेसिटी इन विच स्टेट। गौतम अडानी ने राजस्थान राज्य में एक मेगा 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अलाउड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज टू एक्ट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। द IBBI इज अ की इंस्टीट्यूशन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विच केम इनटू फोर्स इन 2016। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू बोरो व्हाट अमाउंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2022-23। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपये राशि उधार लेने का फैसला किया। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू फॉर्मलाइज फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट। भारत और नीदरलैंड्स ने निवेश के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन ओपन्ड बाय द कर्नाटक बैंक इन एसोसिएशन विद अर्नस्ट एंड यंग इन बेंगलुरु। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में अर्नस्ट एंड यंग के सहयोग से बेंगलुरु में एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया है। The Reserve Bank of India has directed all the credit information companies to appoint an internal ombudsman by which date? भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। Who has been named the first recipient of the Bob Willis Trophy? Bob Willis Trophy के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के हैं, इन्हें नामित किया गया है। In the presence of Minister of State for External Affairs V. Muralidharan, National Payments Corporation of India and the Central Bank of which country signed a historic MOU to launch the RuPay debit card?
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और ओमान देश के सेंट्रल बैंक ने रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स फॉर मॉनिटरिंग चीता इंट्रोडक्शन इन कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस टास्क फोर्स। केंद्र ने मध्य प्रदेश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में 9 सदस्य शामिल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वेपन सिस्टम्स ब्रांच फॉर विच आर्म ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना शाखा के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेयर एज द रीजनल ऑफिस वेस्ट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन मुंबई में किया है। Who among the following is not one of the three recipients of 2022 Nobel Prize in Economics? निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए है, पॉल मिलग्रॉम। विच विल नाउ बी द सेकेंड इंडियन एयर कैरियर टू अलाउ पैसेंजर्स टू ब्रिंग पेट्स विद देम ऑन बोर्ड देयर फ्लाइट्स। यात्रियों को अपनी उड़ानों में पालतू जानवर को अपने साथ लाने की अनुमति देने वाला अब दूसरा भारतीय हवाई वाहक आकाशा एयर होगा। नोवाक जोकोविच क्लेम द 19th टाइटल ऑफ हिज कैरियर बाय डिफीटिंग होम इन द अस्ताना ओपन फाइनल। नोवाक जोकोविच ने अस्ताना ओपन के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर का 90वां खिताब जीता है। हु वॉन जापानीज ग्रां प्री 2022। जापानी ग्रां प्री 2022 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। विच कंट्री इज होस्टिंग SCO ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। सो भारत SCO संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। स्वच्छ गंगा और सहकार भारती के राष्ट्रीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला हरियाणा राज्य में आयोजित की गई है। Which of the following has released an order putting a ban on export of maps and geospatial data related to sensitive installations? So, Central Board of Indirect Taxes and Customs ने संवेदनशील प्रतिष्ठानों से संबंधित मानचित्रों और भूस्थानिक डेटा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। The Corporate Social Responsibility Regime was established in India under Section 135 of the Companies Act 2013. The country's CRS spending was 10,065 crore rupees in 2014-15. It rose above what mark in 2020-21? Company अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR शासन स्थापित किया गया था। देश का CSR खर्च 2014-15 में 10,065 करोड़ था। यह 2020-21 में 24,000 रुपए के आंकड़े से ऊपर रहा। Using an instrument carried by the second moon mission Chandrayaan 2, ISRO scientists have mapped out the global distribution of which chemical element on the moon's surface. दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा किए गए एक उपकरण का उपयोग करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम तत्व के वैश्विक वितरण का मानचित्रण किया है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हैज रोप्ड इन विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने स्मृति मंदाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हु को चेयर द मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप विद US एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रैनहोम इन Washington DC। Washington DC में अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम के साथ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता हरदीप सिंह पुरी ने की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द 81st एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस इन विच सिटी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन लखनऊ शहर में किया है। डेली हंट पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रिंग क्यूरेटेड न्यूज इनसाइट्स टू इट्स यूजर। डेली हंट ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए क्यूरेटेड समाचार अंतर्दृष्टि लाने के लिए लिंक्डइन के साथ भागीदारी की है।
Which of the following has received India's first micro category drone type certification from the Directorate General of Civil Aviation? So, Astoria Aerospace ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त किया है. Which country has launched advanced space-based solar observatory to unravel the sun's secrets? चाइना ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला लॉन्च की है. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82. इन विच ईयर वॉज द समाजवादी पार्टी फाउंडेड बाय हिम? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया. समाजवादी पार्टी की स्थापना उनके द्वारा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर 1992 है. विच स्टेट हैज प्रोमोगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स? सो तमिलनाडु राज्य ने ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित करने और ऑनलाइन गेम को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द हरिकेन दैट हैज रेविस्ट पार्ट्स ऑफ कोलंबिया एंड निकारागुआ? सो उस तूफान का नाम जूलिया है जिसने कोलंबिया और निकारागुआ के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच स्टेट? केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया. वेन इज द वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेटेड? विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द महाकाल लोक कॉरिडोर एट विच टेम्पल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल? गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द 3 मेंबर कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द सेंसिटिव इशू ऑफ एक्सटेंडिंग एससी स्टेटस टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी? ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करने वाले सभी लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संवेदनशील मुद्दे की जांच करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का नाम बालाकृष्णन कमेटी है या कमीशन है. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड विच ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में टोयोटा ऑटोमोटिव निर्माता की फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक्स व्हीकल पर अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया. हु लॉन्च्ड अ मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन नेम्ड ड्रोनी मैन्युफैक्चर्ड बाय गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित ड्रोनी नामक मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन MS धोनी द्वारा लॉन्च किया गया. द सेंटर हैज सेट अ न्यू टारगेट ऑफ 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज कवर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय विच ईयर? केंद्र ने 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आने वाले शहरों में कणों की सांद्रता में 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है. विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइन एन MOU फॉर एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान ने शैक्षणिक स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 इन विच सिटी? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गैंगटॉक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स साइन एन MOU विद टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS. भारतीय मानक ब्यूरो ने परीक्षण निरीक्षण प्रमाणन परिषद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं. विच वीक वॉज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2 अक्टूबर 2022? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया. 4th हेली इंडिया समिट 2022 विद द थीम हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेल्ड इन विच सिटी? 4th हेली इंडिया समिट 2022 श्रीनगर में आयोजित किया गया जिसका विषय हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहा. 4th NICDC इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 4th NICDC निवेशक गोलमेज सम्मेलन मुंबई शहर में आयोजित हुआ. The 73rd Raising Day of Territorial Army was celebrated across the country on which day? देशभर में प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया.
हु इनॉग्रेटेड फिक्कीज 16th एनुअल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस फिक्की हील 2022 विद द थीम हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। फिक्की के 16वें वार्षिक हेल्थ केयर सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है माफ कीजिएगा इनके द्वारा किया गया, जिसका विषय हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ था। टेलीमानस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, टेलीमानस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की एक पहल है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल कप 2022 इनॉग्रेटेड एट विच स्टेडियम। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का उद्घाटन कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम 2022 इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स एज द पार्टी नेम फॉर द शिवसेना फैक्शन लेड बाय एकनाथ शिंदे। भारत के चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में बाला साहेबवंशी शिवसेना नाम आवंटित किया है। इंडियाज जियोस्पेशल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 63,000 करोड़ रुपीज बाय विच ईयर। भारत की भूस्थानिक अर्थव्यवस्था 2025 तक 63,000 करोड़ रुपए को पार कर जाने की उम्मीद है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साइंड अ पैक्ट विद विच स्टेट टू प्रमोट एग्री इनोवेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी। विश्व आर्थिक मंच ने निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। Who has become the first Indian woman cricketer to win ICC Player of the Month? ICC Player of the Month जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। Which company's president Ravi Kumar S has recently resigned? हाल ही में Infosys के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने इस्तीफा दे दिया। Which bank in October 2022 has unveiled its next gen contact center service to deliver superior customer experience? October 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी अगली पीढ़ी की संपर्क केंद्र सेवा का अनावरण किया है। आदर्श सोएगा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। आदर्श सोएगा को कुवैत देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। द 10th मीटिंग ऑफ द यूएई इंडिया हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट टुक प्लेस इन विच सिटी। निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 10वीं बैठक मुंबई में हुई है। 53rd कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ विच कंट्री वॉज इनोग्रेटेड एट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एट मसूरी। सो बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन मसूर में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में किया गया। रिवाइज एक्शन प्लान कॉल्ड GRAP वॉज इनिशिएटेड टू फाइट द पॉल्यूशन इन न्यू दिल्ली एंड द नेशनल कैपिटल रीजन। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ GRAP? नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए GRAP नामक एक संशोधित कार्य योजना शुरू की गई। GRAP का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इनॉग्रेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस्ट्री 4.0 चैलेंजेस अहेड एंड वे फॉरवर्ड एट विच प्लेस। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने केवड़िया गुजरात में उद्योग 4.0 भावी चुनौतियां और आगे की राह का उद्घाटन किया। विच एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम जलाती पुरयात्रा एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस अलोंग द इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट मौसम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन जलाती पुरयात्रा हिंद महासागर रिम देशों के बीच बहुसंस्कृति संबंधों की खोज आयोजित किया। फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन डॉक्टर तेमसुला ओ पास्ड अवे इन विच ईयर वॉज शी अवार्डेड पद्मश्री। नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तेमसुला एओ का निधन हो गया है। उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हु वॉन एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन पारंपरिक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वजाहत हुसैन ने जीता है। विच कंपनी साइंड एन MOU विद रेलटेल फॉर ICT एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। सो NMDC ने ICT और डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए रेलटेल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच फुटबॉलर रिसेंटली स्कोर द 700th क्लब गोल ऑफ हिज इलस्ट्रियस कैरियर इन अ मैच अगेंस्ट एवर्टन। हाल ही में एवर्टन के खिलाफ मैच में
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने शानदार करियर का 700वां क्लब गोल किया। अमित शाह ने बिल्ड 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अमित शाह ने बिहार की सारण जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच IIT। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान अंडर द एजिस ऑफ विच नेवल कमांड, भारतीय नौसेना ने ईस्टर्न नेवल कमांड के तत्वावधान में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। रिसेंटली पाउलो मोरो हैज टर्म्ड इंडियाज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अ लॉजिस्टिकल मार्वल। पाउलो इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। हाल ही में पाउलो मोरो ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को लॉजिस्टिक चमत्कार करार दिया है। पाउलो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़े हुए हैं। विच इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग एन AI एनेबल्ड डिवाइस कॉल्पोस्कोप फॉर स्क्रीनिंग सर्विकल कैंसर इन वुमेन, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए एम्स दिल्ली AI सक्षम डिवाइस कॉल्पोस्कोप विकसित कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड दैट ग्लोबल ग्रोथ विल स्लो फ्रॉम 6% इन 2021 टू 1% इन 2022। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास 2021 में 6% से धीमा होकर 2022 में 3.2% हो जाएगा। विच इंडियन नेवल शिप रीच्ड पोर्ट एलिजाबेथ इन साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ इप्सामर मैरीटाइम एक्सरसाइज। इप्सामर समुद्री अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना जहाज INS तर्क दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पहुंचा है। विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स इन October 2023। October 2023 में गोवा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। पंकज आडवाणी हैज क्लेम्ड गोल्ड मेडल एट द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन विच सिटी। पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर शहर में आयोजित 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन। ISF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत पदक तालिका में 5th पोजीशन पर रहा। Who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of the SBI General Insurance? SBI General Insurance के नए MD and CEO किशोर कुमार पुलदासु हैं। As per the report titled Developing the Space Ecosystem in India, focusing on inclusive growth, India's space economy is likely to be worth nearly $13 billion by which year? Right answer is option A, 2025. In October 2022, Reserve Bank of India cancelled the license of VCT based Seva Vikas Cooperative Bank. October 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे शहर स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। World Standards Day is celebrated on which day? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। India hosted the 6th meeting of Joint Working Group on Higher Education with which country in New Delhi? भारत ने नई दिल्ली में नॉर्वे देश के साथ उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक की मेजबानी की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द न्यू इंडियन हाई कमीशन चांसलरी इन विच सिटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन शहर में नए भारतीय उच्चायोग चांसलरी का उद्घाटन किया है न्यूजीलैंड में। विच बैंक बैग्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेजिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 उंजल्स। किस बैंक ने सर्वाधिक 101 उंजलों का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर ऑप्शन डी, साउथ इंडियन बैंक है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स सोयुज 2.1B रॉकेट कैरिंग द ग्लोनास के नेविगेशन सिस्टम। सो रशिया ने ग्लोनास के नेविगेशन सिस्टम ले जाने वाला अपना सोयुज 2.1B रॉकेट लॉन्च किया। What is the minimum capital requirement for setting up an asset reconstruction company according to the RBI's latest notification? RBI की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 300 करोड़ रुपए है। The Union Cabinet has approved the new scheme Prime Minister Development Initiative for Northeast Region for the remaining 4 years of the 15th Finance Commission from 2022-23 to 2025-26 with an outlay of how much crore rupees? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी कि PMDY के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। विच वेबसाइट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर इनेबलिंग सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड आर्म्ड फोर्सेज फंड। नागरिकों को सशस्त्र बल कोष में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट शुरू की गई।
हुई इनोग्रेटेड त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एट नरसिंहगढ़ अगरतला। त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन और नरसिंहगढ़ अगरतला में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला द्रौपदी मुर्मू ने रखी है। विच स्टेट वॉन बॉयज अंडर 17 सुब्रतो कप? बॉयज अंडर 17 सुब्रतो कप नागालैंड ने जीता है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इराक? इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल लतीफ रशीद को चुना गया। विच स्टेट हैज नोटिफाइड इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी? सो तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दैट विल रन बिटवीन अम्ब अंदौरा इन हिमाचल प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। हाउ मेनी स्टेट्स और यूटीज आर कैटेगराइज्ड एज अचीवर्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफ सेट ई टी एम सी सी? सो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने हाल ही में के प्लस एस मिडिल ईस्ट ए एफ जे माफ कीजिएगा के प्लस एस मिडिल ईस्ट एफ सेट ई डी एम सी सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अमलगमेशन ऑफ जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंड बांग्ला इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड विद विच कंपनी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और बांग्ला इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सम्मेलन को मंजूरी दी है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड टू द नेशन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर रुपीज 8000 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाएं आधारशिला रखी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड विल सेटअप अ 1190 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। वन टाइम ग्रांट ऑफ व्हाट अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टू 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज? कैबिनेट द्वारा 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 22000 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुसंधान को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इक्विवेलेंट टू 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। विच INS कैरिड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ऑन October 14, 2022? 14 अक्टूबर 2022 को INS अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज साइंड एन MOU विद सेवरल ITs फॉर शेयरिंग नॉलेज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इन द फील्ड ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर NHIDCL? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन विचारों के ज्ञान को साझा करने के लिए कई IIT के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इसके जो प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम चंचल कुमार है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट टिल 2027 विद विच कंट्री? भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस पंकज मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस QR कोड बेस्ड रैपिड OPD रजिस्ट्रेशन इन द हॉस्पिटल। OPD स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल में QR कोड आधारित रैपिड OPD पंजीकरण शुरू किया है। OPD का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हु टुक चार्ज एज द फोर्थ होल टाइम मेंबर इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने कार्यभार संभाला है। विच स्टेट लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव? सो उड़ीसा राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द फाइनल ऑफ वुमेन्स एशिया कप टू क्लिंच द टाइटल 7th टाइम? भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 7वीं बार खिताब जीता।
इन द 36th नेशनल गेम्स कंक्लूडेड रिसेंटली विच रैंक डिड द होस्ट स्टेट गुजरात बैक। हाल ही में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान राज्य गुजरात ने 12वीं रैंक हासिल किया है। व्हाट इज द थीम फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड फूड डे ऑन अक्टूबर 16 विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर का थीम रहा लीव नो वन बिहाइंड। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसरो इज डेवलपिंग द NGLV विच विल वन डे रिप्लेस ऑपरेशनल सिस्टम्स लाइक द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGLV। इसरो NGLV विकसित कर रहा है जो एक दिन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जैसी परिचालन प्रणाली को बदल देगा। NGLV का पूर्ण रूप है नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया इन विच कंट्री। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान में एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों के सम्मेलन में भाग लिया है। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद वायाना नेटवर्क फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन सर्विसेज। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन सेवाओं के लिए IDBI बैंक ने वायाना नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच बैंक अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड प्ले। सो RBL बैंक ने बुक माई शो के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड प्ले लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। गंगावरम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अडानी पोर्ट रिसेंटली रिसीव्ड NCLT अप्रूवल टू एक्वायर रिमेनिंग 58.1% इन दिस पोर्ट। गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अडानी पोर्ट को हाल ही में इस बंदरगाह में शेष 58.1% के अधिग्रहण के लिए NCLT की मंजूरी मिली। हु वॉज रैंक नंबर वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इन इंडिया एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ हंसा रिसर्च ब्रांड एंडोर्सर रिपोर्ट। हंसा रिसर्च की ब्रांड एंडोर्सर रिपोर्ट के अनुसार भारत में नंबर एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी का स्थान सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हु हैज रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड। संचार राज्य मंत्री का नाम देव सिंह चौहान है जिन्होंने पिन कोड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी की जाती है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL हैज एस्टेब्लिश्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर पावर्ड चार्जिंग प्लाजा फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन विच स्टेट और UT। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी तरह का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया है। गूगल हैज लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल रिवार्ड्स प्रोग्राम कॉल्ड प्ले पॉइंट्स इन इंडिया। व्हेन वाज दिस प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च। गूगल ने प्ले पॉइंट्स नाम से अपना वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम भारत में लॉन्च किया। यह कार्यक्रम पहली बार साल 2018 में शुरू किया गया था। Which of the following has joined as the newest participant of the United Nations Global Compact Network? So JSW Steel संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के नवीनतम भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। In the Global Hunger Index 2022, out of 121 countries, what is India's rank? 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में से भारत की रैंक 107 है। The 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 8-10 January 2023 एट विच प्लेस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8-10 January 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन इन विच स्टेट फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड एन अनकंडीशनल लोन ऑफ $250 million फॉर द साल्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य में साल्ट परियोजना के लिए $250 million का ऋण दिया है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज रिसेंट डेटा US, UK, कनाडा, जर्मनी एंड विच अदर कंट्री रिमेन द टॉप 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार US, UK, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भारतीय मूल के डॉक्टरों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष पांच देश बन गए हैं। स्कॉटिश एक्टर रॉबी कॉल्ट्रेन, हु प्लेड अ क्राइम सॉल्विंग साइकोलॉजिस्ट ऑन द TV सीरीज क्रैकर, हैज डाइड।
ही वॉज ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर अनदर रोल इन द हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी। नेम द रोल। टीवी श्रृंखला क्रैकर में अपराध को सुलझाने वाले मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाने वाले स्कॉटिश अभिनेता रॉबी कॉल्ट्रेन का निधन हो गया है। वह हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में एक और भूमिका के लिए भी जाने जाते थे। इस भूमिका का नाम है रोबियस हैग्रिड। विच कन्नड़ फिल्म वॉन द न्यू करंट्स अवार्ड एट द 2022 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साउथ कोरिया। सो शिवम्मा कन्नड़ फिल्म ने 2022 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दक्षिण कोरिया में न्यू करंट्स अवार्ड जीता। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 123 है। अपराजिता सारंगी हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। सी इज एन एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के लिए चुनी गई हैं। वह भुवनेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। विच वॉज द ओनली यूनिवर्सिटी इन द टॉप 300 लिस्ट अंडर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के तहत शीर्ष 300 की सूची में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय ISC बेंगलोर रहा। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द 6th सीनियर एशियन पैनकेक सिलात चैंपियनशिप। 6th सीनियर एशियाई पैनकेक सिलात चैंपियनशिप का आयोजन स्थल श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर है। विच इज द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू अचीव 6 trillion rupees एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन द होम लोन सेगमेंट। गृह ऋण खंड में प्रबंधन के तहत 6 trillion संपत्ति हासिल करने वाला देश का पहला बैंक SBI है। विच बैंक हैज रीलॉन्च्ड सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट। सो DCB बैंक ने सुरक्षा सावधि जमा को फिर से लॉन्च किया है। विच बैंक हैज अपॉइंटेड सौरभ गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सौरभ गांगुली को बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। द इंडियन आर्मी हैज साइंड एन MOU विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू अग्निवीर्स ऑन एनरोलमेंट। भारतीय सेना ने अग्निवीर्स को नामांकन पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन 0 emission vehicles। भारत और कैलिफोर्निया शून्य उत्सर्जन वाहनों पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशाज लेसंस इन गवर्नेंस। पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक अमर पटनायक हैं। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फॉर द वीक एंडेड अक्टूबर 7 स्टैंड एट 7 अक्टूबर को समाप्त। सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 532.868 billion US dollars रहा। हु इनोग्रेटेड गाथा स्वराची गैलरी इन ग्वालियर्स फेमस HH महाराजा जिवाजीराव सिंधिया म्यूजियम। ग्वालियर के प्रसिद्ध HH महाराजा जिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन अमित शाह ने किया। Which Indian city has won World Green City Award 2022? So, हैदराबाद ने World Green City Award 2022 जीता है। A museum dedicated to the life and message of which personality has opened in the Atlantic City of United States? संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक शहर में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित एक संग्रहालय को खोला गया है। Who has been appointed as the 50th Chief Justice of India? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया। विच स्टेट इन द कंट्री इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द MBBS कोर्स इन हिंदी। MBBS कोर्स हिंदी में लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। द रेलवेज फर्स्ट इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड एल्यूमिनियम गुड्स ट्रेन रैक वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन अक्टूबर 16। फ्रॉम विच सिटी इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ। रेलवे की पहली स्वदेश निर्मित एल्यूमिनियम गुड्स ट्रेन रैक को 16 अक्टूबर को किस शहर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सही आंसर भुवनेश्वर है। The central government approved construction of an iconic cable state cum suspension bridge at the cost of ₹1,082.56 crore across Vich River। केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर 1,082.56 crore रुपए की कुल लागत से केबल स्टे सह निलंबन पुल के निर्माण को मंजूरी दी। कलमाने कामेगौड़ा पास्ड अवे रिसेंटली। व्हाट वॉज ही पॉपुलरली नोन एज। कलमाने कामेगौड़ा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पॉन्डमैन भी कहा जाता था। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू बीट मैग्नस कार्लसन एज वर्ल्ड चैंपियन। विश्व चैंपियन के रूप में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डी कुकेश रहे हैं। हु हैज बीन नेम्ड न्यू BCCI प्रेसिडेंट। BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। उल्फ क्रिस्टर्सन हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
कमलप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट रिसेंटली एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट बैंड हर फॉर 3 ईयर्स फॉर यूज ऑफ स्टेरॉइड। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एस्टेरॉइड के उपयोग के लिए उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। हु डिफिटेड ईगा स्वियातेक टू विन द एजेल ओपन। एजेल ओपन जीतने के लिए फाइनल में ईगा स्वियातेक को बारबोरा क्रिसिवकोवा ने हराया है। इंडिया इज होस्टिंग द 90th इंटरपोल जनरल असेंबली दिस ईयर। व्हेन वाज द लास्ट टाइम इंडिया होस्टेड दिस गैदरिंग। भारत इस साल 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार भारत ने सभा की मेजबानी साल 1997 में की थी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंसेस कॉन्फ्रेंस जीईओ इंडिया 2022 स्टार्टेड इन विच सिटी। पांचवा दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जीईओ इंडिया 2022 जयपुर शहर में हुआ है। सीईआरटी इन एंड पावर सीएसआईआरटी जॉइंटली कंडक्टेड साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। व्हाट इज दिस एक्सरसाइज कॉल्ड। दिस एक्सरसाइज कॉल्ड पार ईएक्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड IIN इनवेंटिव एट विच IIT। केंद्र शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में इनवेंटिव का उद्घाटन किया। सही आंसर IIT दिल्ली है। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनेबल फाइनेंशियल एक्सेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप ने महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुंच को सक्षम करने के लिए NRLM के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द इंडियन डेफ क्रिकेट क्लिंच द डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 चैंपियनशिप्स ट्रॉफी बाय बीटिंग विच कंट्री। भारत बधिर क्रिकेट ने साउथ अफ्रीका को हराकर बधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 चैंपियनशिप जीती है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के नए अध्यक्ष और MD के रूप में विनोद आरतांती को नियुक्त किया गया। इंडिया एंड विच कंट्री अडॉप्टेड अ जॉइंट रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। भारत और फ्रांस ने ग्रीन हाइड्रोजन पर एक संयुक्त रोड मैप अपनाया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 75 DBU अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स टू द नेशन। DBU स्टैंड्स फॉर व्हाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 DBU राष्ट्र को समर्पित किया। DBU का मतलब है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। व्हाट इज द थीम फॉर डेफ एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय पाथ टू प्राइड रहा। फॉर विच नॉवल है श्रीलंकन राइटर सेहान करुणा तिलका वॉन द बुकर प्राइज। श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए बुकर प्राइज जीता है। विच स्टेट हैज इमर्ज एज द बेस्ट गवर्न अमंग 18 बिग स्टेट्स ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार हरियाणा राज्य देश के 18 बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित के रूप में उभरा है। हु इज द विनर ऑफ मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड 2022। पुरुषों के बैलन डी'ओर पुरस्कार 2022 का विजेता करीम बेंजेमा है। विच कंट्री विल होस्ट AFC एशियन कप 2023। सो कतर देश AFC एशियन कप 2023 की मेजबानी करेगा। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर GI महोत्सव इन विच सिटी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाराणसी शहर में पहली बार GI महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। विच सिटी विल प्ले होस्ट फॉर द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग। सो न्यू दिल्ली पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी करेगा। अस्मिता दोर्जी ऑफ झारखंड हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्केलिंग द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन मनासलू इन नेपाल विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। सो झारखंड की अस्मिता दौड़जी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के नेपाल में दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू को फतह कर इतिहास रच दिया। हु बिकेम ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे आफ्टर विनिंग द 6th एडिशन ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर अ डे कॉम्पिटिशन। एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण जीतने के बाद एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त जगृति यादव बनी। द आशियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। आशियान भारत कलाकार शिविर 2022 का आयोजन उदयपुर शहर में किया गया। Which of the following has slapped penalties totaling more than 392 crore rupees on online travel firms including Make My Trip, Go IBIBO and OYO for adopting unfair business practices? So CCI, Competition Commission of India ने अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए Make My Trip, Go IBIBO and OYO सहित online travel firmों पर कुल 392 crore रुपये के अधिक का जुर्माना लगाया है। Sustainable Mountain Development Summit
वॉज हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई। विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैट्स योजना शुरू की गई। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निदेशक के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। द फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज बीइंग हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड इन विच सिटी। 14वां जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। हु इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। कौन सा राज्य 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? सही आंसर गोवा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट डिफीटिंग शशि थरूर। इन विच ईयर डिड खड़गे ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे साल 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड हुम एज इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। कानून मंत्रियों और कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। द टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पावर्स एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज कंक्लूडेड एट विच सिटी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। हु टुक चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। लेखा महानियंत्रक के रूप में भारती दास ने कार्यभार संभाला है। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड अरुण बंसल एज सीईओ। अरुण बंसल को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का सीईओ नियुक्त किया गया। इंडियन नेवी ज्वाइन हैंड्स विद विच आईएम टू ट्रेन डिफेंस पर्सनल इन मैनेजमेंट डोमेन्स। भारतीय नौसेना ने प्रबंधन डोमेन में रक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए आईएम नागपुर के साथ हाथ मिलाया है। 6th ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री। 6वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक वियतनाम देश में आयोजित हुई है। इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद फ्रांस टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 9900 मेगावाट इन विच इंडियन सिटी। भारत जयपुर महाराष्ट्र में 9900 मेगावाट की क्षमता के साथ एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किक स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। यूबी हैज अपॉइंटेड हुम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड। यूबी ने अदनु चक्रवर्ती को अपने बोर्ड का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रिसेंटली इट हैज साइंड एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड FSSAI फॉर सेटिंग अप द टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर डाइट्री सप्लीमेंट्स। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में इसने आहार पूरक के लिए परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय और FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर फ्लैग्ड ऑफ द मेड इन सेमी कॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो एट विच यूनिवर्सिटी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्णावती यूनिवर्सिटी में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविष्य 9.0 दैट हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एकीकृत पेंशन भोगियों के पोर्टल भविष्य 9.0 का शुभारंभ किया है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया। विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज अप्रूव्ड 2339 स्क्वायर किलोमीटर न्यू टाइगर रिजर्व
विल बी नोन एज दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सो मध्य प्रदेश राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने 2339 वर्ग किलोमीटर के एक नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज सेलिब्रेटेड महिला किसान दिवस ऑन विच डे। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन विच स्टेट। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर एट 228.9 मिलियन अकॉर्डिंग टू अ न्यू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक नए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा 228.9 मिलियन गरीब हैं। विच स्टेट हैज गॉट इट्स फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज। सो त्रिपुरा राज्य को अपना पहला अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज मिला है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी। अगले रक्षा सचिव अरमने गिरिधर को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO। तो ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। HDFC Securities has announced the opening of the first ever women-only digital center in which city। HDFC Securities ने बेंगलुरु में पहला महिला केवल डिजिटल केंद्र खोलने की घोषणा की है। Where did in India the fintech platform PhonePe launch its first green data center? भारत में fintech platform PhonePe ने अपना पहला green data center नवी मुंबई में लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव एट विच टाउन इन गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अदालस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल की शुरुआत की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। निम्नलिखित से कौन रबी की फसल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मेज। हु हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस एकेडमिया ऑफ थर्मोलॉजिकल इंटरनेशनलीज। प्रतिष्ठित एकेडमिया ऑफ थर्मोलॉजिकल इंटरनेशनलीज के सदस्य के रूप में प्रशांत गर्ग को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन रिलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में ए बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक टू एनहांस क्रेडिट एक्सेस टू अ लार्ज कस्टमर बेस। सो वित्तीय सेवा कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। हु हैज बीन नेम्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में शंकर सुब्रमण्यन के को नियुक्त किया गया। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द वेलनेस सेंटर सेटअप बाय WWE फेम द ग्रेट खाली अलियास दलीप सिंह राणा इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा राज्य में WWE फेम द ग्रेट खाली ऑफ दलीप सिंह राणा द्वारा स्थापित वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। JP Morgan हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज इट्स न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया। JP Morgan ने भारत के अपने नए कंट्री हेड के रूप में कुस्तुब कुलकर्णी को नियुक्त करने की घोषणा की है। हु वन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल। मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन विच कंट्री। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट बांग्लादेश में आयोजित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद IRCTC टू प्रोवाइड अ ट्रेवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन ऑन इट्स ट्रेवल ऐप। सो कैश ने अपने यात्रा ऐप पर ट्रेवल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ भागीदारी की है। विच कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद Mitsubishi हैवी इंडस्ट्रीज जापान फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोजन को फायरिंग इन औरैया गैस पावर प्लांट। औरैया गैस पावर प्लांट में हाइड्रोजन को फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जापान के Mitsubishi हैवी इंडस्ट्रीज के साथ NTPC ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल ऑफ ग्वालियर एयरपोर्ट। ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल की आधारशिला अमित शाह ने रखी है। विच हिस्टोरियन वॉज कन्फर्ड सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022 बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा बारबरा मेटकाफ इतिहासकार को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
विच एडिशन ऑफ द आयुर्वेदा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अक्टूबर दिस ईयर विद द थीम हर दिन घर आयुर्वेद। इस वर्ष 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस का 7वां संस्करण हर दिन घर आयुर्वेद विषय के साथ मनाया गया। हु कन्फर्ड इंडिया थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण टू द माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला इन यूएस। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से टीवी नागेंद्र प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल रेपोर्टियर फॉर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला केपी अश्विनी बन गई हैं। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर बर्नार्ड टून हैज बीन नेम्ड द हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर फॉर इंडियन बॉक्सिंग। सो आयरलैंड देश के पेशेवर मुक्केबाज बर्नार्ड टून को भारतीय मुक्केबाजी के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक नामित किया गया है। दिवाली विल बी ऑब्जर्व एज अ पब्लिक हॉलीडे इन विच सिटी बिगिनिंग इन 2023। 2023 से न्यूयॉर्क शहर में दिवाली को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी हेडेड बाय हुम रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो अमित शाह की अध्यक्षता वाली राजभाषा समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज सेट अप 22 मेंबर गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो तमिलनाडु राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर 12 सदस्यीय शासी परिषद की स्थापना की है। विच सिटी विल होस्ट द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली नेक्स्ट ईयर। अगले साल 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी वियना शहर करेगा ऑस्ट्रिया में। विच IIT हैज वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022। सो IIT मद्रास ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। इन अक्टूबर 2022 विच कंट्री वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। द 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट फ्रॉम अक्टूबर 17 to 19 हेल्ड इन विच सिटी। 17 से 19 अक्टूबर तक विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण दुबई शहर में आयोजित किया गया। हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडियन रेसलर हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले रेसलर बने हैं अरमान सहरावत। विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्ड मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द फूड कैटेगरी। सो हैदराबादी हलीम खाद्य श्रेणी में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मोस्ट पॉपुलर GI पुरस्कार इसको मिला है। इन अक्टूबर 2022 विच टू कंट्रीज आई हैव एग्रीड टू शेयर मोर इंटेलिजेंस एंड डीपन मिलिट्री कोऑपरेशन टू काउंटर चाइना। अक्टूबर 2022 में जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और CCI हैज फाइंड विच कंपनी ₹1,337 करोड़ फॉर एंटी कंपिटेटिव प्रैक्टिसेस। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या CCI ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसरोज हैवी एस्ट्रोकेट लॉन्च व्हीकल Mach 3 हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑफ UK बेस्ड OneWeb। इसरो के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल Mach 3 ने UK स्थित OneWeb के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विद द रोजगार मेला लॉन्च इन अक्टूबर हाउ मेनी यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स हैज द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट विल प्रोवाइड। अक्टूबर में शुरू किए गए रोजगार मेला के साथ मोदी सरकार ने 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों की घोषणा की है। अडानी एयरपोर्ट्स हैव टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिलीवर सीमलेस राइड एक्सपीरियंस टू ट्रैवलर्स। यात्रियों को निर्बाध सवारी अनुभव प्रदान करने के लिए अडानी एयरपोर्ट्स ने उबर के साथ करार किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH जॉइंट हैंड्स टू एक्सपेडिट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हु इज द चेयरमैन ऑफ NABH? तो NABH के चेयरमैन है महेश वर्मा। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022। PM नरेंद्र मोदी ने इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन राजकोट गुजरात में किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जैक्से शाह को नियुक्त किया गया।
चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग बिकेम द फर्स्ट लीडर ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर हुम टू गेट री इलेक्टेड फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड थर्ड कॉन्सिक्यूटिव फाइव ईयर टेन्योर इन पावर। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग माओ जेडोंग के बाद सत्ता में लगातार तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने वाले सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेता बने। द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन विच स्टेट। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऋषि सुनक हैज रिप्लेस्ड लिज ट्रस एज द नेक्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेल्ड विच पोर्टफोलियो इन द बोरिस जॉनसन कैबिनेट टिल रिसेंटली। ऋषि सुनक ने अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस की जगह ली है। बोरिस जॉनसन कैबिनेट में इनके पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था। विच कंट्री और बॉडी अवार्डेड सखारोव प्राइज टू यूक्रेनियन पीपल। सो यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूक्रेनी लोगों को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली एडेड बाई FATF टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज। FATF द्वारा हाल ही में म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया। विच स्टेट हैज वॉन द फर्स्ट पोजिशन इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य ने पहला स्थान जीता है। अ डीप डिप्रेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इनटू अ साइक्लोन एंड बिकम अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिफोर क्रॉसिंग द बांग्लादेश कोस्ट ऑन October 25th। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन। बंगाली खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव एक चक्रवात में बदल गया और 25 अक्टूबर को बांग्लादेश तट को पार करने से पहले एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया। इस चक्रवात का नाम रहा शित्रांग। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज कैंसल्ड द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 NGOs हेडेड बाय कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ओइंग टू इररेगुलरिटीज। वन इज राजीव गांधी फाउंडेशन नेम द अदर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले दो गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण को अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया है। एक है राजीव गांधी फाउंडेशन और दूसरे का नाम है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। अकॉर्डिंग टू द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स 62 इंडियन एथलीट्स हैव बीन कॉट डोपिंग और इन पोजिशन ऑफ बैंड सब्सटेंसेस। विच कंट्री विद 87 वायलेशंस इज द ओनली वन अबव इंडिया इन दिस लिस्ट। विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार 62 भारतीय एथलीट डोपिंग या प्रतिबंधित पदार्थों के कब्जे में पकड़े गए हैं। 87 उल्लंघनों वाला देश रसिया इस सूची में भारत से ऊपर एकमात्र देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्म्ड अ फाइनेंस कमिटी टू इनेबल रियल एस्टेट डेवलपर्स इजी एक्सेस टू फंड्स बेस्ड ऑन मेरिट एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। सो NAREDCO नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल रियल एस्टेट डेवलपर्स को परियोजनाओं की योग्यता और व्यवहार्यता के आधार पर फंड पहुंच प्रदान करने के लिए वित्त समिति का गठन किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवोक द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ विच सिटी बेस्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेन्नई स्थित भुगतान प्रणाली ऑपरेटर GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट दैट लिस्ट द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो झारखंड राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची बनाने वाली वेबसाइट शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रोड एंड रोपवे प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन ₹3400 करोड़ इन माना ऑफ विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के माना में 3400 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। वट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ग्लोबल स्टडी ऑन द राइस ऑफ सेंटी मिलियनेयर्स इंडिविजुअल्स विद असेट्स ऑफ मोर देन 830 करोड़ रुपीज। 830 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले करोड़पति व्यक्ति के उदय पर दुनिया के पहले वैश्विक अध्ययन में भारत का स्थान है थर्ड। नेम द मास्कट फॉर फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर का नाम है तजुनी। वट इज इंडिया स्कोर इन इंटरनेट फ्रीडम इन 2022। 2022 में इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर है 51। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ टू बी हेल्ड फ्रॉम 5th to 7th November इन विच सिटी। 5 से 7 November तक आकाश तत्व जीवन के लिए आकाश पर पहला सम्मेलन देहरादून शहर में आयोजित किया जाएगा। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 936 करोड़ रुपीज ऑन गूगल फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू इट्स प्ले स्टोर पॉलिसीज।
हु वॉज क्राउन्ड वर्ल्ड चैंपियन इन द 10 मीटर एयर राइफल वुमेन जूनियर इवेंट एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल इन कायरो इजिप्ट। सो मिश्र के कायरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में विश्व चैंपियन रमिता जिंदल बनी है। हु लॉन्च्ड मैं भी सुभाष कैंपेन फ्रॉम लेह, लेह से मैं भी सुभाष अभियान जामयांग शेरिंग नामग्याल द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ हाउ मैनी जिला सैनिक बोर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विस मैन विडोज ऑफ ESM एंड देयर फैमिलीज इन दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन B4। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व सैनिकों ESM की विधवाओं और उनके परिवार के कल्याण के लिए दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। हु टॉप्ड एडलगी हुरुन इंडिया फिलंथ्रोफी लिस्ट 2022। एडलगी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2022 में शिव नादर टॉप पर रहे हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में एलिजाबेथ जॉन्स को नियुक्त किया गया है। विंडरजी इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। विंडरजी इंडिया 2023 सम्मेलन चेन्नई शहर में आयोजित किया जाएगा। द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम Feb 16 to 18 2023 इन विच स्टेट। 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक महाराष्ट्र राज्य में होगा। हु वॉज अवार्डेड द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल फॉर 2019। 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है। नेम द इंडियन पेडियाट्रिशियन हु डाइड रिसेंटली एंड नोन फॉर डेवलपिंग ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी टू ट्रीट डायरिया डिजीजेस। उन भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ का नाम दिलीप महालनबीज है जिनकी हाल ही मृत्यु हो गई और डायरिया संबंधित रोगों के इलाज के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग को विकसित करने के लिए ये जाने जाते हैं। विच फिल्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय अध्याय द्वारा पथर पैंचोली फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। हु वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। विच कंट्री विल होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। वेयर एज द यूनियन एजुकेशन मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड इंडिया सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन पुरी में किया है। हु वॉन द USISPF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। USISPF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 शिव नादर ने जीता है। द मिलिट्रीज ऑफ इंडिया एंड विच नेशन कंक्लूडेड अ जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प एट इंडियाज ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की सेनाओं ने विशाखापट्टनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान में संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप का समापन किया। द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच वीक इज बींग कॉमेमोरेटेड फ्रॉम 24 to 31 अक्टूबर 2022। 24 से 31 अक्टूबर 2022 तक ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है। व्हाट इज बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष क्या है? तो बेस्तु वर्ष गुजराती न्यू ईयर है। 2022 मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप इसराइल में आयोजित की जाएगी। विच स्टेट हैज इमर्ज एज द ओनली स्टेट विच हैज अचीव्ड द टारगेट फॉर 2022 क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर सेकेंड फॉर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए 2022 फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु बना है। इसराइल एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट मैरिटाइम बॉर्डर बिटवीन देम। इसराइल और लेबनान ने अपने बीच एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। मामूला केव्स लोकेटेड इन विच स्टेट हैज मेड इट टू द फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स लिस्टेड अंडर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज बाय यूनेस्को। सो मेघालय राज्य में स्थित मामूला गुफाओं ने यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विकास संघ
के तहत सूचीबद्ध पहले 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में जगह बनाई है। विच आर द फॉलोइंग रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड असेसमेंट ऑफ लेड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। सो CSIR एंड नीति आयोग ने मानव और भारत की प्रतिक्रिया पर लेड प्रभाव का आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। द गवर्नमेंट ऑफ इच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025। सो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025 को लागू करने के लिए गिद्ध संरक्षण राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। फोर्थ एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री। चौथी एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप इंडोनेशिया देश में आयोजित हुई। नेटोज स्ट्रीट फास्ट नून एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री। नाटो का स्ट्रीट फास्ट नून अभ्यास बेल्जियम में आयोजित किया गया। द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज 1,764 करोड़ रुपीज ग्रांट टू 4 स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट वन ऑफ देम। वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है, इनमें से हिमाचल प्रदेश एक नहीं है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड विच पेमेंट्स बैंक ज्वाइन हैंड्स फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के लिए हाथ मिलाया है। विच ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द IRDAI फॉर सेलिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। IRDAI द्वारा एक ही मंच पर जीवन और गैर जीवन बीमा बेचने के लिए बीमा सुगम ऑनलाइन मार्केट प्लेस शुरू किया गया है। सिंगापुर टॉप द गैलप्स लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। व्हाट इज इंडियाज रैंक गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022 में सिंगापुर सबसे ऊपर है, भारत की रैंक इसमें 60th है। इन्फेंट्री डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन October 27 एवरी ईयर टू एक्नोलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेंट्री द लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। हु वॉन मैन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल इन डेनमार्क ओपन 2022। डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब शी यूकी ने जीता है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम अ न्यू जनरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ दिस मिसाइल। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा 2,000 किलोमीटर है। विच बैंक हैज बैंक नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड TX 2022 अवार्ड्स इंस्टीट्यूट बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। सो कर्नाटक बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार जीता है। विच फिनटेक फर्म इन अक्टूबर हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर। अक्टूबर में सिग्नेट फिनटेक फर्म को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। REC लिमिटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड पैक्ट विद SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड टू फाइनेंस बोक्सा थर्मल पावर प्लांट। REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बक्सर थर्मल पावर प्लांट के वित्त पोषण के लिए SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। विच कंपनी लॉन्च ग्रीन डेटा सेंटर विद डेल टेक्नोलॉजीज एंड एंटिटी। डेल टेक्नोलॉजीज और एंटिटी के साथ फोन पे ने ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। विच बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ CS Rajan एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड। सो कोटक महिंद्रा बैंक ने CS Rajan को बैंक के बोर्ड में एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। ICICI बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज reappointed Sandeep Bakshi as MD and CEO for a period of 3 years, in which year was he first appointed to this post. ICICI बैंक ने निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए संदीप बख्शी को MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उन्हें इस पद पर पहली बार साल 2018 में नियुक्त किया गया था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हैज रीइलेक्टेड हुम एज इट्स चेयरमैन। भारतीय बैंक संघ ने AK गोयल को अपना अध्यक्ष चुना है। Who has become the first Asian American to feature on US currency? अमेरिकी मुद्रा पर फीचर करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी अना मे वोंग बन गई हैं। NASA Jet Propulsion Laboratory and which IIT researchers have studied the interactions between microbes in the International Space Station? NASA Jet Propulsion Laboratory और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में माइक्रोब्स के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया है। वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स वॉन द एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 हेल्ड एट नागपुर।
पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना ने नागपुर में आयोजित वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड टू बी हेल्ड इन इंडिया इन दिसंबर। दिसंबर में भारत में आयोजित होने वाले नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को नियुक्त किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन पार्टिसिपेटेड एट द डाका इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका इन विच कंट्री। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सेनेगल देश में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया। विद नाउ टू न्यू ब्रांचेस मिनिकोय थुंडी बीच एंड कदमत बीच बोथ इन लक्षद्वीप गेटिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। टोटल हाउ मेनी बीचेस इन इंडिया नाउ आर सर्टिफाइड अंडर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। लक्षद्वीप में दो नए समुद्र तटों मिनिकोय थुंडी बीच और कदमत बीच दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त होने के साथ भारत में अब कुल 12 समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड संगीता वर्मा एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ विच एजेंसी। सरकार ने संगीता वर्मा को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विच कंट्री हैज पास द प्लेन लैंग्वेज एक्ट। न्यूजीलैंड देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया। एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स विल मैन्युफैक्चर द C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स इन विच स्टेट। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स गुजरात राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए C295 परिवहन वाहन का निर्माण करेंगे। हु विल हेड द 15 मेंबर कमिटी सेटअप बाय IRDAI टू सजेस्ट अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सार्वभौमिक मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का सुझाव देने के लिए IRDAI द्वारा गठित 15 सदस्यीय समिति का नेतृत्व राकेश जोशी करेंगे। Envoys of how many nations presented their credentials to President Draupadi Murmu in October 2022? October 2022 में पांच राष्ट्रों के दूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। Name the Indo-Canadian healthcare worker who has become the first urban wearing Sikh woman to be elected as the city councillor of Brampton City in Canada. उस इंडो-कैनेडियाई स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम नवजीत कौर बरार है, जो कनाडा में ब्रैम्पटन शहर की नगर पार्षद के रूप में चुने जाने वाली पहली पगड़ी पहनने वाली सिख महिला बन गई हैं। द टोटल बैलेंस इन द बेसिक बैंक अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज क्रॉस्ड द 1.75 लाख करोड़ रुपीज मार्क। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मूल बैंक खातों में कुल शेष राशि 1.75 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई। Who has been named the captain of the Indian hockey team for FIH Pro League 2022-2023? FIH Pro League 2022-2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को मनाया गया है। The BCCI has announced equal pay for all centrally contracted men and women team India cricketers. Earlier this year, which cricket board made the similar arrangement that enabled the women cricketers to earn as much as the male players? BCCI ने सभी केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला टीम इंडिया क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था की जिसके तहत महिला क्रिकेटरों को पुरुष खिलाड़ियों के समान वेतन मिले। नेरल माथेरन टॉय ट्रेन रिज्यूम सर्विसेज इन विच स्टेट। नेरल माथेरन टॉय ट्रेन ने महाराष्ट्र राज्य में सेवाएं फिर से शुरू की हैं। वी सिटी बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज इट्स वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट। पेरिस शहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की। एज पर अ रिपोर्ट पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू ऐड एटलीस्ट 14 न्यू मेगा सिटीज बाय मिड सेंचुरी ईच विद अ पॉपुलेशन सरपासिंग 10 मिलियन। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मध्य शताब्दी तक कम से कम 14 नए मेगा सिटी जोड़ने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 10 मिलियन से अधिक होगी। गूगल साइंड एन MOU टू सपोर्ट एंड एक्सेलेट विच स्टेट्स मिशन टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द स्टेट। गूगल ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए आसाम राज्य के मिशन का समर्थन करने और उसमें तेजी लाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्कूल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इंट्रोड्यूस्ड ऑनेस्टी शॉप्स फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12। केरल के एर्नाकुलम जिले के स्कूलों ने कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप्स शुरू की। इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनोग्रेटेड इन विच सिटी। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई शहर में हुआ। नेम द को फाउंडर ऑफ एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेडबुल एंड फाउंडर एंड ऑनर ऑफ द रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम हु डाइड रिसेंटली। एनर्जी ड्रिंक
कंपनी रेड बुल के संस्थापक और रेड बुल फॉर्मूला वन रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक का नाम डाइस्ट्रिस मेट्सीज है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। विच फिल्म वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 50th एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स हेल्ड इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में आयोजित 85वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में RRR फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। विच कंपनी विल सप्लाई फोर्ड प्लांट्स इन यूरोप विद ग्रीन स्टील आफ्टर 2030। सो टाटा स्टील कंपनी 2030 के बाद यूरोप के फोर्ड संयंत्रों में ग्रीन स्टील की आपूर्ति करेगी। जैक्सन ग्रुप हैज साइंड अ पैक्ट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। जैक्सन ग्रुप ने राजस्थान राज्य सरकार के साथ हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच कल्चर फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा इन श्रीनगर रिसेंटली। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में श्रीनगर में जश्न ए कश्मीर सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। वट वॉज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू टू द प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड एट अ सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अनुरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट प्रदान किया है। विच इज द होस्ट सिटी दिस ईयर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड सिटी डे ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाने के लिए इस वर्ष मेजबान शहर संघाई चाइना है। Who has been elected the chairperson of the Air Transport Committee of the International Civil Aviation Organization? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है शेफाली जुनेजा को। Which Indian government mint launched silver souvenir on the theme of T20 World Cup? T20 विश्व कप की थीम पर भारत सरकार के कोलकाता टकसाल ने T20 विश्व कप रजत स्मृति चिन्ह जारी किया। 29th edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise Simbex held at which place? सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 29वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इंडिया एंड विच कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज नेम्ड गरुड़ 7 फ्रॉम 26th अक्टूबर टू 12 नवंबर 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। भारत और माफ कीजिएगा ये थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में जो छठा गरुड़ अभ्यास है ये किस जगह पर हो रहा है, तो सही आंसर इसका सी है, जोधपुर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जोधपुर इसका सही आंसर है। भारत और फ्रांस, ये ऑप्शंस गलत, ये ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। भारत और फ्रांस की वायुसेना 26 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गरुड़ 7 नामक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास किस जगह कर रहे हैं, तो आंसर होगा जोधपुर में। हाउ मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वर डेडिकेटेड टू द नेशन बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन लद्दाख। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। विच INS रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया बायलेटरल एक्सरसाइज एट दर एस सलाम तंजानिया। दर एस सलाम तंजानिया में भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास के पहले संस्करण में INS तरगस ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विच एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2022 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 3 नवंबर 2020 एट न्यू दिल्ली। 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। नॉर्थ ईस्ट जियोलॉजी एंड माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच स्टेट? नॉर्थ ईस्ट जियोलॉजी एंड माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव नागालैंड राज्य में आयोजित हुई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फगन सिंह कुलस्ते इनॉग्रेटेड द सारस फूड फेस्टिवल 2022 इन न्यू दिल्ली। डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट द फर्स्ट आशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल इन विच कंट्री? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने इंडोनेशिया देश में पहले आशियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज कोलैबोरेटेड विद विच फाउंडेशन टू एम्पावर यूथ टुवर्ड्स बेटर हेल्थ एंड फ्यूचर? युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सतर्क बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है। विच एडिशन ऑफ आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज हेल्ड रिसेंटली? कृषि और वानिकी पर आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का 7वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया।
ही इज नॉन फॉर हिज डेफिनेटिव रिकॉर्ड सच एज ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर एंड होल लॉट ऑफ सेकंड गोइंग ऑन ही पास्ड ऑन अक्टूबर 28 नेम द पर्सन तो इनका नाम है जेरी ली लिवाइस द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग्स एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्वानंद सोनोवाल इनोग्रेट द आयुष उत्सव इन विच स्टेट केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है एज पर द WHO ग्लोबल टीवी रिपोर्ट व्हाट इज इंडिया टीवी इंसिडेंस फॉर द ईयर 2021 WHO ग्लोबल टीवी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत में टीवी के मामले 210 पर लाख पॉपुलेशन है NCDC इंटरनेशनल एंड विच कंट्रीज पर द मम पार्टनर टू इनहेंस ट्रेड इन इनोवेशन स्किल्स एंड एजुकेशन NSTC इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलिया के परदमन ने नवाचार कौशल और शिक्षा में व्यापार बढ़ाने के लिए भागीदारी की चिंतन शिविर ऑफ होम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हेल्ड इन विच स्टेट राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर हरियाणा राज्य में आयोजित हुआ एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी 342.33 मिलियन टन्स इन द ईयर 2021-22 विच स्टेट लॉन्च द कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स सो उड़ीसा राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल यानी कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया है विच कंपनी साइंड एन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद द AAI टू फैसिलिटेट कमर्शियल ऑपरेशंस फ्रॉम राउरकेला इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ओडिशा राज्य में राउरकेला से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए सेल कंपनी ने AAI के साथ एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और कन्फ्यूज हम आप सभी के डालते रहते हैं साथ ही इस ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइज़